नमस्कार। तो आज हम टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड की बात की जाए तो स्टॉक में फिर से गिरावट हो चुके हैं। जैसे कि हमने काफ़ी बार कहा कि उछाल आती है तो स्टॉक से बाहर निकलिए, क्योंकि फंडामेंटल के साथ टेक्निकली भी काफ़ी वीक स्टॉक है। इसके लिए हमने कहा था कि स्टॉक के बाहर निकल के एक अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए जो कि आपको अच्छा रिटर्न्स मिल जाए। पर रिसेंटली ये स्टॉक जो कम रेट में और एक अच्छी अपर सर्किट लगता है, पिछले टाइम एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया था, इसकी वजह से काफ़ी जन यहाँ पे स्टॉक में निवेश करके बैठे हैं। पर ये गलत बात है, आपके एनालिस्ट से पूछ कर आप लोग निवेश कर सकते हो वैसे भी। पर रिसेंटली यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक एक दो दिन अच्छे मोमेंटम करता है, अपर सर्किट लगता है, फिर स्टॉक में फिर से वीकनेस जानी जाती है। उसी तरह अभी भी रिसेंटली मूवमेंट हो चुकी है। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए, जैसे कि कॉस्ट टू कॉस्ट हो या प्रॉफिट में। तो यहाँ पे आप देख सकते कि उछाल में निकल जाए, लॉस में हो भी तो यहाँ पे निकल के एक अच्छी स्टॉक में निवेश कर सकते हो। मार्केट क्या भी देख सकते हैं, स्टॉक की 14,000 करोड़ के ऊपर है। 1 मंथ में देखा जाए तो स्टॉक में उछाल आई थी, फिर से वीकनेस बढ़ी है 24% और फिर स्टॉक फिर भी लास्ट 1 मंथ में देख सकते कि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लगा, वहीं से गिरावट देखने को मिले और 75 को ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ। तो 70 लेवल तक फिर से एक बार नीचे जा सकता है स्टॉक, और 70 लेवल वैसे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी TTML के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट TTML के लिए।